एसीबी सेफ्टी। आज के इस वीडियो में आप एसीबी सेफ्टी के बारे में जानेंगे। एसीबी का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। जो ट्रांसफार्मर के बाद एलटी पैनल में लगा होता है। ट्रांसफार्मर का पहला सेफ्टी है ओवर वोल्टेज। जैसे मानकर चलिए एसीबी में सेट किया हुआ है 192 240 वोल्ट। 190 सेट किया हुआ अंडर वोल्टेज और 240 वोल्ट सेट किया हुआ है ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज में क्या होगा, जब 240 वोल्ट से ऊपर सप्लाई जाएगी तो एसीबी ट्रिप हो जाएगा। सेकेंड है अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज में क्या होगा, जब 190 वोल्ट से कम वोल्टेज आएगी तो एसीबी ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट। यदि ब्रेकर में कहीं पर भी अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्स पावर। रिवर्स पावर के केस में भी एसीबी ऑफ हो जाता है। अब ये सब तो हो गए एसीबी क्या क्या चीज़ से सेफ्टी देती है उसके बारे में। अब एसीबी में सेफ्टी डिवाइसेज क्या क्या होती है और कैसे सेफ्टी करती है उसके बारे में जानेंगे। तो एसीबी में एक संट रिलीज कॉइल लगा होता है। इसका काम है फॉल्ट हो जाने पर सप्लाई को बंद करने का होता है। जब इसको किसी अन्य रिले द्वारा निर्देश मिलता है या तो यह एक्टिव हो जाती है और लीवर को दबा देती है जिससे एसीबी बंद हो जाता है। दूसरा है क्लोजिंग रिलीज। इस रिले का मुख्य रूप से ब्रेकर को हेल्दी कंडीशन पर ऑन कराना होता है। यदि ब्रेकर में किसी तरह का फॉल्ट होती है ब्रेकर को ऑन होने से रोकता है, ऑन होने नहीं देता है। अंडर वोल्टेज रिलीज सेम यही है। जब वोल्टेज 190 यदि सेट किया हुआ 190 वोल्ट से यदि कम वोल्टेज आएगी तो अंडर वोल्टेज रिलीज के द्वारा एसीबी ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्क चूट। एसीबी में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट। जब एसीबी को ऑन या ऑफ करते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। आग चूट उस चिंगारी को अवशोषित कर लेता है और आग लगने से बचा लेता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।